दोस्तों अगर आपने भी अपने जियो के मोबाइल नंबर से हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया है, यानी आपने जियो का नंबर रिचार्ज किया है और उसी में अपना हॉटस्टार का जो है प्रीमियम मेंबरशिप लिया है, दोस्तों उसको कैसे अपने मोबाइल नंबर पे एक्टिवेट करते हैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में हॉटस्टार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, जैसा कि आपको मोबाइल में दिखला भी रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हॉटस्टार को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अभी ओपन हो रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे जो है यहाँ पे थ्री बार पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। यहाँ पे आपको सीधा लिखा हुआ सब्सक्राइब का ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ हॉटस्टार डिज्नी प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सब्सक्राइब पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लान दिख रहा है, यानी आप इस प्लान के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने अपने मोबाइल नंबर पे रिचार्ज किया था और उसी में मुझे वो सब्सक्रिप्शन जो है एक साल का मिल गया था जियो नंबर पे। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, लॉग इन यहाँ पे लिखा हुआ सबसे नीचे साइड में, तो सिंपली आपको क्या करना है इसी पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आपको दोस्तों जिस नंबर पे आपने रिचार्ज किया है, जिस नंबर पे आपको वो सब्सक्रिप्शन मिला है हॉटस्टार डिज्नी प्लस का एक साल के लिए, तो उसी नंबर को सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, उस नंबर को यहाँ पे लॉग इन कर देना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं जिस नंबर से लिया था, जिस पे रिचार्ज किया था, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया हूँ, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे OTP जो है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने मोबाइल नंबर लॉगिन किया, तो यहाँ पे लिख रहा है अपग्रेड प्लान, तो यहाँ पे प्लान को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा है स्किप फॉर नाउ, तो मैं यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दूंगा और दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे मोबाइल में जो है वो मेंबरशिप एक्टिवेट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ का जो ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सीधा यहाँ पे लिख रहा है अपग्रेड। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एक्टिवेट किया है उस प्लान को भी आप दिखला देता हूँ कि वो कब तक उसका वैलिडिटी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखने के लिए यहाँ पे थ्री बार है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माय अकाउंट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ पे मेंबरशिप लिखा हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वैलिड टिल 6 अक्टूबर 2022, यानी 6 अक्टूबर 2022 तक का जो सब्सक्रिप्शन जो है मेरे मोबाइल में जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो अगर आपने भी रिचार्ज के साथ हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, तो आप भी इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में यानी अपने हॉटस्टार को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।